मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं और हम लोग सुबह उठ गए थे, अराउंड 8 या 9 बजे के करीब उठ गए थे। फटाफट नहाए धोए और ब्रेकफास्ट किया हमने और बस अभी हमने फटाफट सामान जो है वो सारा लोड कर दिया है और हम बस 10-15 मिनट में चेकआउट करेंगे और उसके बाद होटल में ही हमें शटल फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो हम पूरा सामान उस शटल में लोड कर देंगे और वो हमें यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही हार्डली 10-15 मिनट की दूरी पर है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलिए फिर इंडिया। और पता है मैं इंडिया पहुंच के सबसे पहले क्या खाने वाली हूँ? एक्चुअली बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे स्ट्रीट फूड खाना है, मुझे जाते ही गोलगप्पे खाने हैं, मुझे जाते ही डोसा खाना है, मुझे जाते ही पाव भाजी खाना है, मुझे जाते ही आलू वाला कुलचा खाना है, मुझे जाते ही बहुत कुछ खाना है। तो मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं सबसे पहली वाली चीज़ क्या खाऊँ। तो लेट्स सी, तो चलो चलते हैं मेरे साथ इंडिया। अच्छा सा दिख रहा है खाने को हमारे टाइम का, तो देखते क्या करते हैं। 3 किलो वेट तो मेरे पर्स का ही है। कुकिंग तो पूरा तामझाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब फाइनली हम लोग खाना खाने आए हैं। फटाफट, बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार, तो पहले मैं खा लेती हूँ फिर आपके साथ बात करती हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया है, ये बासमती राइस है और ये मसाला चिकन मसाला कड़ी है। और यार ये देखने से कहीं किसी भी एंगल से मुझे कोई इंडियन चिकन कड़ी नहीं लग रही है, बट पता नहीं क्या है, जो भी हम खा लेते हैं। और ये मैंने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं, आई डोंट नो ये कैसा है, लेट मी ट्राई। अच्छा है पर इसके अंदर ना थोड़ा मीठा है। चलो खाते देखो अब। हाय, वेलकम बैक। तो फाइनली जो है हम लोगों ने खाना खा लिया और हम लोग बस अपने गेट नंबर पर आकर बैठ गए हैं और अब फ्लाइट वेट करेंगे बोर्डिंग का। और ये ना हमने जो ऑर्डर किया था ना स्पाइसी कड़ी चिकन, वो इतना बेकार था यार। खाने को बेकार नहीं बोलते हैं, आई एम सॉरी, बट यार मतलब, बट अगर आप चिकन कड़ी लवर हैं ठीक है ना, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसा था। जैसे पकौड़े वाली कड़ी होती है ना, वो सेम कड़ी वाली ग्रेवी और उसमें चिकन के पीसेस। मैंने कहा यार कि किस एंगल से चिकन कड़ी लग रहा है यार, ये तो कड़ी है और कड़ी में पकौड़े की जगह चिकन। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बोर्डिंग की, आधे पौने घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी प्लेन में। फाइनली अब हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमारा 4 घंटे का हॉल्ट है। तो बस ऐसे ही दोहा सोचा, थोड़ा दोहा एयरपोर्ट घूमते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं।
जाना है और उसके लिए हमें टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। Let's go. मैं सीढ़ियों से सामान लेकर इसलिए उतरी क्योंकि मुझे एस्केलेटर से ना जब चढ़ते हैं तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब उतरना होता है ना, ऐसे उतरना होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और सामान के साथ तो और भी डर लगता है, इसलिए मैं सीढ़ियों से उतरी। अहमदाबाद माटे सबका स्वागत है।